जय श्री राम दोस्तों, मैं गौरव मिश्रा संघवी एकेडमी में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसी के लिए कुछ लिखा था कि त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के वास्ते, राम ने खोया बहुत है श्री राम बनने के वास्ते। दोस्तों, ये नंबर सिस्टम के अंदर हमारा तीसरा वीडियो होगा और मैं उम्मीद करता हूं मैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो पार्ट वन पार्ट टू बनाया आप पूरा देख चुके होंगे और अपने बेसिक को क्लियर कर लिए होंगे। ठीक, तो दोस्तों इसमें हम टाइप फाइव की बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, समझिए। पहला क्वेश्चन ये है, इसी टाइप का ये दो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 1 से 210 ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 व 6 से पूर्णतः विभाज्य है। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 100 से 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 व 7 से विभाज्य है। तो दोस्तों कुछ डिफरेंस समझ में आया आपको, क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में? यहां पे तक शब्द लगा है, मतलब तक वाली कंडीशन, और यहां पे बीच बोला है, बीच वाली कंडीशन। तो दोस्तों जब तक वाला कंडीशन हो तब हम कैसे हल करते हैं और जब बीच वाली कंडीशन हो तब कैसे हल करते हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 6 से पूर्णतः विभाज्य, मतलब तक वाली जब कंडीशन हो, देखिए करते क्या है। यहां पे 1 है और 200, 1 से 200 तक के बीच बोला, तो आपको करना क्या है कि 200 में ये जो दिया है 1 को माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 199 में आ जाएगा। इतना कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, बोला कि जो 4 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो आप समझिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नंबर 4 से कटेगा 6 से कटेगा, और ये भी जरूरी नहीं कि जो 6 से कटे 4 से कटे। तो हम करेंगे क्या, 4 और 6 का क्या निकालने, एलसीएम निकालने। ठीक, तो 4 और 6 का क्या निकाल लीजिए आप, एलसीएम निकाल लीजिए। तो 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12। अब क्या करेंगे, 199 ये जो आया है 12 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 12 एक कम 12 ये 7 और ये 9, तो ये हो जाएगा 12 6 72। हमको रिमाइंडर से मतलब नहीं है, यहाँ पे जो भागफल आया है, क्वेश्चन का आया कितना आया है 16, और 16 हमारे क्वेश्चन का आंसर है, मतलब 1 से 200 तक के बीच 16 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 और 6 से क्या हो जाएंगे, पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, उसका दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बीच वाली कंडीशन है, मतलब 100 से 400 तक नहीं बोला, 100 से 400 के बीच बोला है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो देखिए क्या करते हैं, 100 से 400 के बीच ऐसे कितनी संख्या है जो 5 और 7 से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पे 5 और 7 का फिर से क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो 5 और 7 का एलसीएम आप लेंगे तो आएगा 35। ठीक, अब आपको करना क्या है, 100 को अलग डिवाइड कर दीजिए 35 से, तो 35 दूनी 70, तो भागफल कितना आया, 2 आया। 400 को अलग से डिवाइड कर दीजिए 35 से, तो 35 एक कम 35 और 35 एक कम 35, तो यहां पर भागफल 11 और यहां पर भागफल 2 आया। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो 11 आया है और ये जो 2 आया, तो 11 और 2 का डिफरेंस लीजिए, और ये जो 9 आएगा यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि 100 से 400 के बीच ऐसी 9 संख्याएं हैं जो 5 और 7 से क्या हो जाएंगी, पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगी। तो देखिए हमने किया क्या कि जब तक वाली कंडीशन थी तब हमने पहले घटाया है बाद में डिवाइड किया। ठीक, जब बीच वाली कंडीशन थी पहले हमने डिवाइड करा है और उसके बाद क्या किया, भागफल को घटा दिया। दोस्तों अगले टाइप को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 1 × 2 × 3 × 4 × और ये गया है 99 × 100 के बीच 100 के अंकों की परस्पर गुणा की जाए तो गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे। ठीक, तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो करने का देखिए तरीका क्या होता है, 1 से लेकर 100 तक के नंबर में कितने नंबर होते हैं टोटल, 100। तो जितने नंबर हो ना आप उनको लिख लो, टोटल कितने नंबर होते हैं, 1 से लेकर 100 तक के नंबर में कितने नंबर होते हैं, 100 नंबर। और करना क्या है, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 20। फिर से समझिए क्या किए, जो भी लिखा हो तो आपको क्या करना, जितने नंबर हो टोटल उसको लिख लीजिए और 5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। और 5 से ही डिवाइड करना, और कब तक डिवाइड करना, जब तक डिवाइड हो रहा। अब फिर क्या करिए, जो 20 आया है 20 को क्या करिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4।
अब ये जो चार है क्या पांच से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24। मतलब जब आप 1 से लेकर 100 तक के अंकों को गुणा करेंगे तो गुणनफल के अंत में 24 जीरो आएंगे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 × 4 × 6 × 8 × 10 और इस तरह से कहां तक गया है? 98 × 100 के अंकों की परस्पर गुणा की जाए तो गुणनफल के अंक में कितने जीरो होंगे, ये हमारा सवाल। तो फिर से क्या करेंगे? सबसे पहले जितने नंबर लिखे हैं उसको लिखिए और 5 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर देंगे। अब यहां पे ये बताओ 1 2 3 4 टाइप से तो कुछ लिखा नहीं है, 2 के पहले 1 लिखा है क्या? नहीं। और 2 के बाद 3 लिखा है क्या? नहीं। 4 के बाद 5 लिखा है क्या? मतलब 1 से लेकर 100 तक की गिनती तो है, आई बात समझ में? लेकिन एक एक अंक क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। मतलब क्या है? टोटल 100 भले लिखा है लेकिन नंबर है कितने? टोटल 50 ही नंबर है। और फिर से क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 10। और फिर क्या करेंगे? इस 10 को क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। और यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। देखो दोस्तों, अगला टाइप है टाइप नंबर 7। क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या है जो 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है? तो दोस्तों, जब भी इस तरह से सवाल आए कि उतनी ही बड़ी है जितनी वह छोटी है तो इस तरह से हम करते क्या है? यहाँ पे 31 से वह संख्या उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो आपको करना क्या है कि 31 और 75 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 106 आ जाएगा। कितना कर लिए? फिर इसका हाफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 53। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, क्या बोला है कि यदि कोई संख्या जो 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है? तो क्या करना है? जितना उतना जो दिया है उसको जोड़े और हाफ कर दिए तो क्या जाता है आंसर। अब समझिए, यहाँ पे हमारी वो संख्या है 53 जो 75 से छोटी है और 31 से क्या है? बड़ी है। तो 75 से छोटी कितनी है? 22। और 31 से बड़ी कितनी है? 22। वही बोला ना, 53 75 से 22 छोटा है और 53 31 से बड़ा कितना है? 22 बड़ा है। यही मतलब है कि वह संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या होगी हमारी? 53 होगी। करने का तरीका क्या? जोड़ के क्या कर दीजिए? उसको हाफ कर दीजिए। फिर इसी टाइम में अगला सवाल है, यदि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेष फल का 5 गुना है, बात हो रही है भाजक की, ये भाजक भागफल का कितना है? 25 गुना, और यही भाजक शेष फल का कितना गुना है? 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा? दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको तरीका बताया था, फार्मूला में आपको बताया था, पाठ पाठ में बताया था सर, कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। ठीक, तो देखिए जो भाजक है भागफल का कितना है? 25 गुना है। भागफल है कितना? 16। तो भागफल की जगह मैं क्या लिख दूं? 16 लिख दूं। और ये जो भाजक है 16 का कितना है? 25 गुना। 16 का 25 गुना है। ठीक, फिर क्या बोला कि ये जो भाजक है शेष फल का कितना गुना है? 5 गुना है। मतलब अगर शेष फल 1 होगा तो भाजक कितना होगा? 5। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो भाजक है 1 है तो शेष फल इस 1 का 1/5 है। आई बात समझ में? तो देखिए, भाजक तो हमारा कितना है? 25 × 16 है। तो इसको हम क्या करेंगे? 25 × 16 को 5 से डिवाइड कर दें तो शेष फल आ जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि बोल रहा है कि भाजक शेष फल का 5 गुना है, मतलब शेष फल 1/5 है भाजक का, ये बोल रहा ना। इसको हल करिए तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 25 × 16 हो जाएगा 400 × 16 प्लस 5 इक्का और ये चला जाएगा 5 तो 16 पंचे हो जाएगा 80। तो 16 चौको 64, 6400 प्लस 80 तो ये हो जाएगा 6480 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब भाज्य होगा, भाज्य पूछा था। देखिए दोस्तों, अगला टाइप टाइप नंबर 8 है। क्वेश्चन है कि 3 की पावर 50, 4 की पावर 50, 5 की पावर 30 और 6 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो
तो दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आए तो देखिए करते कैसे हैं। आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि अगर a की पावर 2 है और 2 की पावर क्या है 3 है, मतलब पावर के ऊपर क्या चढ़ी है पावर। तो दोस्तों जब भी पावर के ऊपर पावर चढ़ी होती है तो उसका मल्टीप्लाई होता है। तो हम a की पावर 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। अब दोस्तों फिर से a की पावर 6 को मैं ये लिख सकता हूं ना a की पावर 2 लिख दूं और 2 की पावर क्या लिख दूं, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि पावर के ऊपर पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ठीक, यहां पे जितनी भी घात चढ़ी है सभी 10 का मल्टीपल है, देखिए है। तो अब देखिए 3 की पावर 50 को मैं ये लिख सकता हूं 3 की पावर 5 की पावर 10, अब पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई होता है तो ये 85 है लिखा है। ठीक, फिर 4 की पावर 50 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 5 की पावर 10, और 5 की पावर 30 लिखिए तो 5 की पावर 3 की पावर 10 लिख सकता हूं। ठीक, और 6 की पावर 20 है तो 6 की पावर 2 की पावर क्या लिख सकता हूं 10 लिख सकता हूं, इतना कर लिए। उसके बाद 3 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 243 की पावर 10, फिर 4 की पावर 5 का क्या होता है 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 चौको 1024 1024 की पावर क्या हो जाएगा 10। 5 की पावर 3 का मतलब है क्या 125 की पावर 10, और 6 की पावर 2 का मतलब है 36 की पावर 10। अब यहां पे देखो सभी में 10 की घात है वो तो सेम है, घात तो सब क्या होगी बराबर, लेकिन नंबर कौन सा बड़ा है सबसे 10 का 24 बड़ा है सबसे बड़ा नंबर, और ये किसका था 4 की पावर 50, मतलब ये हमारा सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 4 की पावर 50, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, यदि 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125 माइनस 647 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125 को 36 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये हमारा सवाल है। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, 683 इसको लिख लीजिए इस तरह से 125 माइनस 598 की पावर 125। अब यहाँ पे क्या करेंगे ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा 647 की पावर 125 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 598 की पावर 125। तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस कट जाएगा। ठीक, अब यहां पे देखिए क्या बचा 683 की पावर 125 माइनस 647 की पावर 125। ठीक, मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट में कि जब भी पावर ऑड हो तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो पावर 1 चढ़ा दीजिए या तो 3 चढ़ा दीजिए जरूरत के हिसाब से। तो यहां पे मैं पावर क्या चढ़ा दिए, ऑड है पावर तो क्या चढ़ा दूं 1, तो 683 की पावर 1 चढ़ाऊंगा तो यही आ जाएगा माइनस, यहां पे भी पावर क्या है ऑड है तो क्या चढ़ा दूं 1, तो 647 की पावर 1 तो यही आ जाएगा। ठीक, अब ये जो रिजल्ट आया दोस्तों इसको 36 से डिवाइड भी करना था, देखो 36 से क्या करना है डिवाइड, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो घटाएंगे तो 13 में 7 गए 6 7 में 4 ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 36। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर, की रिमाइंडर पूछा रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, ये हमारे सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये पार्ट समझ में आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, आपको कहीं डाउट होता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं 99 93 913 912 पे। उसके बाद दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन होगा उस पर भी आप क्लिक कर लीजिए जिससे मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं तो आप तक लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।